बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज है ईद का तीसरा दिन और सबसे पहले तीसरा दिन ईद मुबारक, और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे आज सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईद के तीसरे दिन भी सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में टमाटर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक लगे। ये जो आपके मेरे इर्द गिर्द देख रहे तो ये सब रात का स्टॉक है, और भी मज़ीद आने वाला है। आज रात को कितनी गाड़ियाँ थी, कैसे फ़रोख्त हुई है, अभी क्या रेट चल रहा है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसी ही वीडियोज़ आपको पसंद है मालूमाती, तो आप फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। इसी तरह अगर आप फेसबुक पेज पे हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। हम सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद से ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं सब्जियों और फ्रूट के बारे में। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू कर लेते हैं। जी मेरे दोस्तों, ये सारा टमाटर जो पड़ा है, ये वाली गाड़ी, वो वाली गाड़ी, वो भरा हुआ पड़ा है, ये साइड ऊपर लगे हैं, ये सब लड़काना के टमाटर है। तो दोस्तों, आज सब्जी मंडी इस्लामाबाद में टमाटर जो इस वक्त रह गए हैं कल रात वाले, क्योंकि रात को शायद रेट डाउन था, अभी मालूम करेंगे कि रात को क्या रेट बिक रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। इस साइड ऊपर दो तीन गाड़ियाँ लगी है, वो जो सामने दो तीन गाड़ियाँ लगी, कुछ भरी हुई पड़े हैं और कुछ गाड़ियाँ मंडी से बाहर है। देखते हैं अभी क्या रेट चल रहा है। जी सैद आलम भाई से मिलते हैं। सैद आलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, टमाटर का क्या रेट चला रहे हैं सैद आलम भाई? टमाटर 180 से 200, और नॉर्मल 150-100 जिस तरह भी है। अच्छा, ये बताए, ये जो टमाटर सामने गाड़ियाँ भरी हुई पड़ी है, क्यों रात को डाउन था रेट? तो वो ढूंढता रेट तकरीबन 200-300 तक बिक रहा था टमाटर। अच्छा, पेटी पेटी। अच्छे टमाटर कितने के बिक रहे थे? 350 तक। वो ये तो भाई तबाही हुई है। रात को तकरीबन 60-65 गाड़ियाँ थी लगभग। अल्लाह, रात को ईद के दूसरे दिन सब्जी मंडी इस्लामाबाद में 60-65 की लगभग गाड़ियाँ थी, और कैसे फरोख्त हुए आपने खुद सुना। बेहतरीन टमाटर 350-350 तक। आम जो रेट अभी चल रहे तो 150 से लेकर 200 रुपये चल रहा है, और इतना डाउन रेट, तो इसीलिए अड़तियों ने टमाटर ब्लॉक कर दी है, और यही सोचा होगा कि आज टमाटर कमाएंगे और ये महंगे बिकेंगे, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है। ये ईद के स्टॉक होते हैं 3 दिन, वो भी छुट्टी करते हैं, 2 दिन ज़मींदार, बल्कि ईद से 1-2 दिन पहले ही वो बंद कर लेते हैं टमाटर, क्योंकि उनके टमाटर अगर ईद से 2 दिन पहले स्टार्ट होंगे तो फिर वो ईद ही के दिन पहुंचेंगे तो फिर बिकेंगे नहीं, इस वजह से उनके पास स्टॉक पड़ा रहता है। तो ये 2-3 दिन कम से कम हर ईद में वो स्टॉक आ जाता है मंडी में, तो टमाटर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से रहने का डाउन हो जाता है। 200 से लेकर 300 और टॉप क्लास के 320-330-340-350 तक भी गए हैं, जो बिल्कुल स्पेशल माल, और तकरीबन 15-16 किलो के लगभग टमाटर वो इस रेट ऊपर गए हैं। आम जो रेट चला है वो 200 से लेकर 250, 250 से लेकर 300। अच्छे टमाटर 300 से ऊपर ऊपर है, 320-330-350-360 तक तकरीबन, यही कुछ रेट था आज जो चला है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त रेट चल रहा है 150 से लेकर 200 के लगभग सब्जी मंडी इस्लामाबाद में, और वो भी गाख नहीं है। आप देख रहे हैं चाबी भरे हुए पड़े हैं, और लोग दोबारा यानी पैकिंग कर रहे हैं, दोबारा बंद कर रहे हैं। इस तरफ भी काफ़ी बड़े चाबी लगे हैं माशाल्लाह, ये देखिए आप, और इस साइड पर भी। जी, यहाँ भी टमाटर 200 रुपये के लगभग 5 किलो दे रहे हैं, और टमाटर देख ले आप माशाल्लाह, बहुत आला क्वालिटी के टमाटर है लड़काना के। 200 कह रहे, 1400 रुपये मन दिया है। तो दोस्तों, सूरत हाल कुछ यूँ है, बस इसी अपडेट के लिए आपके पास मैं आया कि आप आज आपको टमाटर की अपडेट दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार में रहते हैं, सिंध और पंजाब के उनके सीज़न चल रहे, तो वो इसीलिए इंतज़ार में रहते हैं कि यार पता तो चले सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है, हम टमाटर भेजें या नहीं। सुबह से मुझे 2-3 ज़मींदार और व्यापारियों ने फ़ोन किया कि भाई हम टमाटर भेजें, तो मैंने कहा मालूम कर लूँ कि भाई रेट क्या चला है रात को और अभी, तो फिर उनके बाद उनको फ़ोन कर लूँगा, बल्कि अब फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, उनके मोबाइलों में खुद ब खुद वीडियो आ जाएगी कि इस वक्त दड़ी तकरीबन 150 से लेकर टॉप क्लास के 200 की चल रही है, और ये जो टमाटर आपको सामने नज़र आ रहे हैं तकरीबन ये रात को 300 से लेकर 350 के लगभग सब्जी मंडी इस्लामाबाद में फ़रोख्त हो रहा था, और काफ़ी ज़्यादा टमाटर लोगों ने बंद कर दिए है, ये आज बिकेंगे, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, ज़मींदार बेचारों के हैं, और कुछ अभी मज़ीद आने वाले हैं, और वो गाड़ियाँ मुझे 2-3 नज़र आ रही है जो वो सामने, इस तरफ भी इस तरफ भी, यानी कि आज फिर टमाटर काफ़ी ज़्यादा होंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ऐसी अपडेट पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।